खबर यूपी जिले के अयोध्या से है, जहां राम की नगरी अयोध्या में अयोध्या टैलेंट हंट का आयोजन उदया पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसमें एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग सहित अन्य टैलेंट की खोज की गई और इसमें कई जिलों से प्रतिभागी बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 700 बच्चों ने हिस्सा लिया। आपको बताते चलें कि अयोध्या टैलेंट शो के आयोजक प्रफुल्ला साहू ने बताया कि इस अयोध्या टैलेंट हंट में सेमीफिनाले का आयोजन 9 जून को होगा। इसमें टैलेंट हंट में तरह तरह के कलाकार भाग ले रहे हैं, जिसमें शहर और राज्यों से अयोध्या में पहली बार कलाकारों का आगमन होगा, जिसमें अयोध्या टैलेंट हंट की ऑर्गेनाइज कमेटी में शामिल वंशिका चौधरी, निखिल यादव, उज्ज्वल जाकिर सहित अन्य लोग शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में अयोध्या टैलेंट हंट में कई टीवी कलाकारों को भी आगमन है, जिसमें भाभी जी घर पर हैं कि अभिनेत्री सोमा राठौर इस प्रतियोगिता में एक्टिंग की जज करने आ रही हैं और डांस और बॉल राइटरी पर क्रू के लीडर, इंटरनेशनल डांस टीचर रोहन सिंह, कोरियोग्राफर ऋषि अरोरा सहित अन्य टीवी कलाकार जज की भूमिका में निभाते नजर आएंगे, जिसमें इन सभी कलाकारों का आगमन 22 जून को इस शो की ग्रैंड फिनाले कोहिनूर पैलेस में किया जाएगा। आखिर में टैलेंट यहाँ पे ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि यहाँ के टैलेंट बाहर नहीं निकल पाते, तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे एक शो कराए कि यहाँ के टैलेंटेड लोग यहीं पे आके अपना टैलेंट निकाले। सो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का टैलेंट बाहर निकल के जाए, और मुझे प्राउड है कि मेरे फैजाबाद में इतने बड़े बड़े शोज हो रहे हैं, और मैं प्राउड करूँगा यहाँ के बच्चों पर कि इतने टैलेंटेड हैं वो, और जजमेंट करने का मज़ा तभी आता है जब बच्चे टैलेंटेड होते हैं। रियली ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर टैलेंट ज़्यादा है पर उसको निखारने के लिए वो प्लेस नहीं मिल पाती, तो इसीलिए अयोध्या टैलेंट हंट इसलिए कराया जा रहा है कि उसके टैलेंट को निखारे। और ये मेरा दोस्त प्रफुल शाहू जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, बंदर शायद प्रफुल, कितने लोगों ने यहाँ पे भाग लिया? अच्छा, ऑडिशंस अभी तक शायद 30 से अबव ऑडिशन हो चुके हैं, जिसमें से एलिमिनेशन मैंने 15 ऐसा किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लोग सेकेंड राउंड के लिए, सेकेंड राउंड बना हुआ है कि वो पहले राउंड में अगर नहीं सेलेक्ट हो पा रहे तो वो सेकेंड राउंड में आते हैं ऑडिशन पे, फिर उसके बाद उसका सेमीफिनाले सेट होगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे तो उनको सेकेंड राउंड के लिए चांस देते, बीच में गैप आया उसमें प्रिपरेशन ग्रुप वाइज हो रहा है। किस तरीके से सोलो, डुएट, ग्रुप, ट्रायो सारे कैटेगरीज हो रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रुप को अलग पार्ट में बांटा है, डुएट को अलग पार्ट में बांटा है। एक्चुअली क्या होता है सी कैटेगरी वाइज कराने में ना हमें जजमेंट करने में अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रुप और सोलो और डुएट ट्रायो सब एक में आते ना तो जजमेंट में मजा नहीं आता। सिलेक्शन किस देना है, क्योंकि बच्चे जो टैलेंट है अगर उनके अंदर टैलेंट है और वो दिखा नहीं पा रहे हैं, आई थिंक उनको फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो मेरे फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट करने के बाद वो सेकंड राउंड में अच्छा करने लगे, ऑब्वियस सी बात है। क्या नाम है? मेरा लवलेश यादव। ठीक है।